गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अभी जो अपनी बाकी एक्सरसाइज है विच इज 2.2 उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो मूविंग फॉर अ प्रॉब्लम नंबर 3, व्हाट इट सेज, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। वेरीफाई कीजिए कि क्वेश्चन में जो भी डिजिट दिए गए हैं वो पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो उसके पॉलीनोमियल के बाजू में लिखे हुए नंबर्स हैं उसको वेरीफाई कीजिए कि वो जीरोस हैं या नहीं। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दे हैव गिवन इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। इसको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू -1/3 पे। सो वी विल चेक, इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू पुट -1/3। सो पी -1/3 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 3 एज इट इज, एक्स की जगह पे वी हैव टू पुट -1/3 प्लस। इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो कैन आई राइट 3 × -1/3, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको पूरा। सो 3 × -1/3 + 1, ठीक है। नाउ 3 इन अ डिनोमिनेटर एंड 3 इन अ न्यूमरेटर कैन बी कैंसल्ड आउट, इसको हम कैंसल कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा, दैट इज -1 और +1। सो -1 एंड +1 कैंसल्स ईच अदर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0। सो पॉलिनोमियल ऑफ -1/3 इज 0। यहाँ पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, उसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो है दिए गए पॉलिनोमियल का -1/3 जीरो है। सो मूविंग फॉर अ प्रॉब्लम नंबर 2, चलिए सेकेंड प्रॉब्लम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 5। इसको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 4/5 के लिए। सो इन प्लेस ऑफ एक्स पुट 4/5, सो पी एज इट इज और एक्स की जगह पे वी आर पुटिंग 4/5 इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज और एक्स की जगह पे 4/5 - 5, यस और नो। अभी पाई हो, अल्फा हो, बीटा हो, प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये सारे सेम टू सेम प्रॉब्लम है। ये नई नई चीजें डाल के आपके अंदर डर स्टार्ट करना चाहते हैं मैथ्स के प्रति, तो ये डरने वाली चीज नहीं है। उसको वैसे ही ट्रेन कीजिए जैसे आप 1, 2, 3, 4 को ट्रेन करते हो। सो इट इज नथिंग डिफरेंट, सेम ही चीज है, पाई को बस पाई लिख दिया मैंने। सो नाउ इसको अगेन आई एम ओपनिंग फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम लिखेंगे 5 × 4/5 - 5 एज इट इज। तो 5 इन अ डिनोमिनेटर, 5 इन अ न्यूमरेटर कैन बी कैंसल्ड ईच अदर। सो हियर 4 - 5, यस और नो। तो ये किसी भी हिसाब से जीरो नहीं हो रहा। सो पी ऑफ 4/5 is equal to 4 - 5 is not equal to 0, 0 नहीं है ना, it is not equal to 0, ये 0 नहीं बन रहा। That means, so 4/5 is not a 0 of a polynomial. दिए गए polynomial का 4/5 जीरो नहीं है, उसके अलावा कोई और हो सकता है पर ये वाला तो नहीं है, ठीक है। मूविंग फॉर अ प्रॉब्लम नंबर 3, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1। अभी यहाँ पे इन्होंने हमारा एक और काम बढ़ा दिया, वो है एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है और एक्स इज इक्वल टू -1 पे भी चेक करना है। तो चलिए कर देते हैं, जैसे वो बोलेंगे वैसे करना तो पड़ेगा ही, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको भी करना पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ एक्स इनिशियली यू हैव टू पुट 1, सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू दैट इज एक्स की जगह पे 1² - 1, यस और नो। सो 1² इज, वी नो 1 × 1 = 1 - 1, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, सो 0। सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब 1 तो इस पॉलिनोमियल का 0 है क्योंकि वो पॉलिनोमियल का आंसर 0 ला रहा है। अभी -1 के लिए चेक करते हैं। सो पी ऑफ -1 एक्स की जगह पे -1,
कैन वी राइट एक्स की जगह पे -1 टू द होल स्क्वायर -1. नाउ -1 टू द होल स्क्वायर कैन बी राइट एज अ -1 इनटू -1, ऐसे हम लिख सकते हैं, और -1. सो माइनस इनटू माइनस सेम साइन हो तो प्लस हो जाएगा, यस और नो? सो माइनस इनटू माइनस दैट इज +1, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, +1 -1, तो ये भी क्या हो गया 0, क्योंकि ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो पी ऑफ -1 इज ऑल्सो 0, पी ऑफ -1 का आंसर भी क्या आ गया 0, पी ऑफ 1 के लिए भी 0, पी ऑफ -1 के लिए भी 0. सो व्हाट वी विल राइट, यस 1 एंड -1 बोथ आर zeros of a polynomial. ये दोनों ही polynomials के zero है. So 1 and -1 both are zeros of a polynomial. You have to write like this. So moving for a problem number 4. चलिए problem number 4. ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी एकड़ी टाइट कर रहे हैं, कि वो बढ़ाते जा रहे हैं प्रॉब्लम का लेंथ, तो अच्छा है ना, हमको सीखने मिलेगा. सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 इंटू x-2. सो इनिशियली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपांड दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा ताकि अब पॉलिनोमियल के फॉर्म में ला सके और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर सके. सो यू नो x+1 एंड x-2, तो इनिशियली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओपनिंग दिस ब्रैकेट, उसके बाद में ये वैल्यूज रखूंगा. सो x+1 एंड x-2 इसको ओपन करेंगे, x+1 x-2. सो इन अ फर्स्ट चैप्टर हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे और आपको याद ही होगा कि सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ले लो x और उसको सेकेंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू के साथ और उसके बाद सेकेंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो इनिशियली व्हाट आई हैव टुक x और ये पूरा ब्रैकेट ही मैं लिख देता हूँ, दैट इज x-2, ताकि झंझट ही नहीं, आप कंफ्यूज ही ना हो. उसके बाद x का काम हो गया, +1 +1 और +1 के बाद में ये पूरा ब्रैकेट x-2, यस और नो? यस. सो नाउ देयरफोर x into x, दैट इज x2, यस और नो? एक्स इंटू एक्स दैट इज x2, बाद में माइनस वाला साइन, और x into 2 दैट इज 2x, वी कैन राइट, यस और नो? यस. बाद में प्लस वैल्यू 1 into x दैट इज x, 1 into -2, यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया माइनस, 1 into 2 हो गया 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन. इसको हम और शॉर्ट रन करते हैं, यहाँ पे -2x है और यहाँ पे +x है, तो -2, यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक स्टेप एक ज्यादा लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आप समझ जाओ, x2, यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि ये दोनों के पास x है ना, तो व्हाट आई एम टेकिंग x एज अ कॉमन, +x मैंने कॉमन ले लिया. अभी x मैंने इसके पास से ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा, यस yes. और इसके पास से x ले लिया तो इसके पास सिर्फ +1 बचेगा, यस yes. और -2 तो एज इट इज हम लिख ही सकते हैं. सो कैन आई राइट x2 + x -2 + 1 दैट इज -1 -2, कैन वी राइट लाइक दिस? सो x2 - 1 × x दैट इज -x, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा -2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, जिस जिससे हम सॉल्व करेंगे वो अभी आया. तो x2 - x - 2 हमारा पॉलिनोमियल हो गया. सो इन प्लेस ऑफ x+1 x-2 व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट x2 - x - 2. सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x2 - x - 2 -x -2, यस और नो?
अभी ये चीज आपको लिखनी है, उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए नाउ हमारा प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू पुट माइनस वन, सॉल्यूशन लाओ। इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू पुट प्लस टू, सॉल्यूशन लाओ और देखो कि कौन सा जीरो है कौन सा जीरो नहीं है। सो इन प्लेस ऑफ एक्स इनिशियली आई एम पुटिंग माइनस वन, सो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन टू द होल स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस टू, यस और नो? सो माइनस वन टू द होल स्क्वायर इज माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, सो माइनस वन स्क्वायर इज नथिंग बट प्लस वन, यस और नो? प्लस वन, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस वन, यस और नो? और माइनस टू तो ऐसे कैसे है, सो प्लस वन दैट इज टू, 2 minus 2 that is 0. So yes, P of minus 1 is equal to 0. उसका मतलब है minus 1 polynomial का 0 है। तो चलिए minus 1 वाला काम तो हमने कर दिया, अब हम देखते हैं 2 इसका 0 है या नहीं। So for that in place of x you have to put 2. So P of 2 is equal to 2 square माइनस टू माइनस टू, यस और नो? सो वी नो दैट टू स्क्वायर इज नथिंग बट टू इंटू टू दैट इज फोर, माइनस टू माइनस टू, माइनस टू और माइनस टू हो गया माइनस फोर, सो कैन आई राइट फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर हो गया जीरो, सो पी ऑफ टू इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब है वैल्यू टू भी पॉलिनोमियल का जीरो है। सो व्हाट यू विल राइट, यस माइनस वन एंड टू बोथ आर जीरो ऑफ अ गिवन दिया हुआ पॉलिनोमियल। यस और नो? हाँ, तो ये प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। मूविंग फॉर अ प्रॉब्लम नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम के बाद वो इंटरवल वाला प्रॉब्लम दिया है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ये छोटा वाला। तो छोटा वाला कैसे है कि ए की वैल्यू है और सीधा एक्स स्क्वायर दिया है, ना प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं करना। सो इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू पुट जीरो, सो पी ऑफ जीरो इज नथिंग बट जीरो स्क्वायर, so zero square is nothing but zero, so of course p of zero is equal to zero, so can we write yes zero is a zero of a given polynomial। हाँ मेरे भाई, हाँ zero भी polynomial का zero है। यहाँ पे आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया होगा, पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ और गिवन जीरो के लिए मैं ZER और स्पेलिंग लिखता हूँ। तो ये चीजें नोट करना क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बोर्ड में आपको बड़ा फायदा दिला सकती है। सो मूविंग फॉर प्रॉब्लम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वेर एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एक्स। ये लक्ष्मीकांत प्यारे लाल वाला प्रॉब्लम है। क्यों लक्ष्मीकांत? क्योंकि एल एक्स एम लक्ष्मी कांत प्यारे लाल है ना, तो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल वाला है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, पर ऐसा पहली बार देखो ना तो आपको ऐसा लग रहा है क्या होगा क्या होगा, वरना इस प्रॉब्लम में है कुछ नहीं। सो वी हैव टू फॉलो दिस सेम प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू पुट माइनस एम अपॉन एल, सो पी माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल एक्स, एल वैसे का वैसा लिखो, एक्स की जगह पे क्या लिखना है माइनस एम अपॉन एल, सो कैन आई राइट माइनस एम अपॉन एल, हियर एक्स की जगह पे सिर्फ मैंने माइनस एम अपॉन एल लिख दिया, प्लस एम, डन। अभी यहाँ पे एल इन अ डिनोमिनेटर, एल इन अ न्यूमरेटर, तो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो बाद में कैंसिल करो, इससे अच्छा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है, इसको कैंसिल कर दिया।
तो यहां पे क्या बच रहा है, माइनस एम और यहां पे प्लस एम, ये माइनस एम और प्लस एम एक दूसरे को काट देगा, कैंसिल कर देगा, यस और नो? सो माइनस एम एंड प्लस एम इज बीन कैंसिल, सो आंसर इज जीरो. सो पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू जीरो. सो व्हाट वी विल राइट, यस ऑफ कोर्स माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. हाँ, माइनस एम अपॉन एल इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है. सो मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये प्रॉब्लम है 7 प्रॉब्लम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1. काफी इजी प्रॉब्लम है, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 देख के डर जाते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है. फॉलो दी प्रोसीजर, आंसर अपने आप आएगा. सो सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं. सो इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू पुट -1 अपॉन रूट 3. सो पी -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द होल स्क्वायर -1. यस और नो? यस. सो 3 इज एज इट इज -1 टू द होल स्क्वायर, मतलब ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा. सही बोल रहा हूँ? यस. सो कैन आई राइट -1 into -1? क्यों मैंने दो बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है. एंड कैन आई राइट √3 into √3? ये स्क्वायर मैंने निकाल दिया और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, -1. सो कैन आई राइट 3 एज इट इज -1 into -1, -1 + √3 into √3, दैट इज √3 to the whole square. ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 to the whole square. तो पहले चैप्टर में हमने ये किया कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाता है, ये हमने पहले चैप्टर में बहुत बार किया. सो ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, सो यहाँ पे वी विल गेट 3 - 1. यस और नो? यस. सो दिस 3 इन अ डिनोमिनेटर, दिस 3 इन अ न्यूमरेटर विल गेट कैंसल. सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 1 - 1, एंड 1 - 1 इज 0. तो क्या -1 अपॉन रूट 3 का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो दैट मीन्स 1 अपॉन -1 अपॉन रूट 3 इज अ 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. दिए हुए पॉलिनोमियल का -1 अपॉन रूट 3 0 है. एक के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम दूसरे के लिए चेक करेंगे, दैट इज 2 अपॉन रूट 3. सो अगेन इसको पूरा रब कर देते हैं. नाउ इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 2 अपॉन रूट 3. सो कैन आई राइट p 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 x की जगह पे 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द होल स्क्वायर -1. यस और नो? यस. सो कैन आई राइट 3 एज इट इज, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 2 स्क्वायर और √3 स्क्वायर, वैसे लिख देता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं. सो 2 टू द होल स्क्वायर अपॉन √3 टू द होल स्क्वायर, और ऊपर वाला स्क्वायर हमने निकाल दिया, ऊपर और नीचे इंडिविजुअल दे दिया, -1. नाउ 3 एज इट इज, 2 स्क्वायर, यू नो दैट 2 into 2 is 4, एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, square root and square will get cancelled. So यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 - 1. So 3 in a denominator and 3 in a numerator will get cancelled. So यहाँ पे क्या बच गया, 4 - 1, that is 3. So ये 0 नहीं आ रहा, पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा. So what we will write here, यहाँ पे here -1 upon root 3 is 0
ऑफ अ पॉलिनोमियल बट टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट. ये तो है पर ये नहीं है. Here 1 upon root 3 is 0 of a polynomial but not 2 upon root 3. Easy? Easy. So moving for a problem number 8. Last wala problem. क्योंकि ये last wala है, इन्होंने थोड़ी हम पे दया कर दी कि ये सबसे आखिर वाला है, तो चलिए छोटा वाला दे देते हैं. So it is a small problem. सिर्फ एक ही value डाल के check करना है कि वो 0 है या नहीं. So in place of x we have to put 1 by 2. So, P 1 upon 2 is equal to 2 x की जगह पे 1 upon 2 plus 1. 2 in a denominator, 2 in a numerator will get cancel each other. So here 1 plus 1 that is 2. So P of 1 upon 2 is equal to 2. यहाँ पे 0 नहीं आ रहा. So what we will write? No. 1 upon 2 is not a zero of a polynomial. Whew. हो गए सारे के सारे आठ के आठ. अभी एक है that is fourth problem. उसको हम next online session में लेंगे. But मेरा अभी भी आपसे यही suggestion है कि आप भी पसीना बहाइए मेरी तरह, मुझसे ज्यादा पसीना बहाइए, मुझसे ज्यादा मेहनत कीजिए और सारे के सारे प्रॉब्लम आप कर लीजिए. आरडी शर्मा के भी करिए या और भी बहुत सारी बुक्स है जिसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो सके उतने प्रॉब्लम्स कवर अप करने की कोशिश कीजिए ताकि आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर पाए. तो टिल देन revise well or thank you so much.